यूपी में इटावा जिले के बसरेहर ब्लॉक में सांसद रामशंकर कठेरिया और सदर विधायक सरिता भदौरिया व बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय धाकरे ने असहाय साधनविहीन लोगों को राहत सामग्री दी। यहां सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि सब लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, खाने पीने की किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यदि किसी के आगे समस्या हो तो बताएं, जिससे समय पर उसका समाधान कराया जा सके। इस दौरान राज साक्य, अनिल साक्य, ओम प्रकाश प्रजापति व वीरेंद्र यादव भी रहे। देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, आप देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता से यही अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील की है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो एक दूसरे की दूरी है उसका ध्यान में रखें, यही मेरी सबसे अपील है। और जिस तरह की प्रशासन ने मास्क लगाना अनिवार्य किया है, मास्क ना हो तो गमछा का उपयोग करें। कुल मिलाकर के ये जो वायरस है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये वायरस का प्रभाव अभी भी पूरी दुनिया में है, अपने यहाँ भी है, और इसलिए हम लोग इससे सावधान रहें और जो सरकार ने जो कुछ हम लोगों को निर्देश जारी किए उसका हम लोग अच्छा सा पालन करें, यही सबसे अपील है। सर, सरकार गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के लिए क्या योजना चला रही है? देखिए, गरीबों के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर, हमारे विधायक जी हैं, हमारे सब लोग यहाँ पर हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार ने 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, राशन, ये सब तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की है। नए राशन कार्ड बन रहे हैं, जॉब कार्ड बन रहे हैं, और जिनकी उज्ज्वला की योजना गैस सिलेंडर है, फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हमारे सब कार्यकर्ता राशन ढूंढ ढूंढ करके ऐसे गरीब लोगों को वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे आज अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है।